रायचूर डिस्ट्रिक्ट सिरवार तालुका में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इंसल्ट किए जाने पर आज एसडीपीआई कर्नाटक स्टेट सेक्रेटरी जनाब रहीम पटेल ने नाराजगी जाहिर कर कहा, लगातार बीजेपी आरएसएस संघ परिवार और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच जो जहर घोला जा रहा है ये उसी का नतीजा है कि नौजवान इस तरह की हरकतें कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जो टीपू सुल्तान के फोटो की इंसल्ट की गई है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कभी बाबा साहब अम्बेडकर तो कभी गांधी जी की इंसल्ट कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, टीपू सुल्तान और इनके जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसके चलते आज भी लोग पूरी दुनिया में इन्हें याद करते हैं। लगातार 2014 से हेट स्पीच, हेट पॉलिटिक्स और खासकर हर रोज मीडिया के जरिए हेट डिबेट होने की वजह से हर शहर, हर गली मोहल्ले में नौजवानों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। देश के हालात को सुधारना है तो मुल्क भर से सेकुलर जहन रखने वाले नागरिक और पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलकर हेट पॉलिटिक्स को उखाड़ कर फेंकना होगा। मजीद इस मामले में एसडीपीआई स्टेट सेक्रेटरी रहीम पटेल ने क्या कहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. बहुत ही अफसोस की इंसिडेंट सिरवार तालुका रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पोर्ट्रेट के ऊपर चप्पल की माला हार डालकर उनके जो पोर्ट्रेट को या उनके जो बहरुमती करे हैं उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है और प्रोटेस्ट करती है। आए दिन हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह होंदे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब होंदे, महात्मा गांधी जी होंदे, इस तरह के जो महान पुरुष हैं जो इंडिया में जिनको माना जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर लगातार इनके ऊपर इनकी बेहरमती करना, इनके स्टैचूस को वैंडलाइज करना, इनके पोर्ट्रेट पे काली शाही फेंकना, ये अब आम तौर पर ये देखा जा रहा है। हम लोग मानते हैं इसकी वजह यही है कि जो नफरत, खासकर जो नौजवान बच्चों के अंदर जो नफरत संघ परिवार मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से और संघ परिवार के जो लीडर्स जो बयानबाजी कर रहे हैं, हेट स्पीच जो कर रहे हैं, नफरत की जो सियासत फैला रहे हैं, उसका नतीजा है कि ये इंसिडेंट होना। रिसेंटली गुलबर्गा में भी हम देखे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की स्टैचू के ऊपर चप्पल का हार डाला गया था। इसी तरह से हर जगह हम देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो नफरत की सियासत ये कम्युनल ताकतें, फैसिस्ट फोर्सेस है जो कर रहे हैं, उसमें कामयाब हुए जैसा दिख रहा है। तो हमारे को, आम जनता को, सोशल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, सेकुलरिज्म को मानने वालों को, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसको उम्मीद है, हम लोगों को क्या लूँ, ऐसी जो नफरत की जो सियासत है इसके खिलाफ हम लोगों को उठकर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अब ये जो सरवार का, रायचूर का जो इंसिडेंट हुआ है, 17-18 साल के नौजवान बच्चों के जरिए से करवाया गया है, या तो उन्होंने कहे होंगे या तो कोई करवाया गया होगा, FIR हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन उमूमन हम देखते हैं कि इस तरह का जो इंसिडेंट होता है नौजवान बच्चों के ज़रिए से हो जाता है। ये इसकी वजह यही है कि बच्चों में, खासकर नौजवानों में कलम जहर फैलाया गया है। दिन में बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे मोबाइल में, रात में मोबाइल में 8-10 घंटे कंटिन्यूस आप जहर उनको परोसोगे, नफरत परोसोगे उनके दिमाग में, जब नफरत बिठाई जाएंगी तो ना ऑब्वियसली ये काम करेंगे उनको। तो हमारी जिम्मेदारी, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, कर्नाटका की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये जो जहर फैला रहे हैं इसको रोकना है। सिर्फ FIR कर वो बच्चों को अरेस्ट कर इसको ख़त्म कर, यहाँ पे ख़त्म करें तो वो जहर मिटने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यह है कि ये जो जहर कंटिन्यूसली फीड किया जा रहा है, एक इंजेक्शन की तरह दिया जा रहा है, एक दवा की तरह इनको हमारे नौजवानों के नस्लों में जो भरा जा रहा है, इसको एक साइंटिफिक तरीके से इसको स्टडी कर इसको निकालने की कोशिश करना है, तभी जाकर इस तरह के जो बेरहमती के जो केसेस होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसको रोकने में लगाम पड़ेगी। वरना चुप खाली FIR कर उनको थोड़े दिन अरेस्ट कर इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो तमाम, खासकर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर तवज्जो देना है, ये जो जहर फैलाया जा रहा है इसको रोकना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, अब 2024 में हम सबको मालूम है कि अप्रैल मई में इलेक्शन आने जा रहे हैं, इनके पास
खासकर ये जो कम्युनिस्ट ताकतें हैं, इनके पास कुछ अचीवमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। इनको मालूम है कि डेवलपमेंट के नाम पर सियासत नहीं की जाती, इलेक्शन जीते नहीं जाते, इनको मालूम है। इनका इनका लेबोरेटरी में ये फार्मूला तय हुआ और इन्होंने ये लेबोरेटरी में ये टेस्ट रिजल्ट प्रूव हुआ है कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मिलते और गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती। तो इसलिए नफरत फैलाओ, डिवाइड करो, कम्युनल एजेंडा डालो, हिंदू मुसलमान करो, तभी जाकर क्या लोग एक बड़ी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको अलग कर कर क्या लोग उसके वोट हासिल करने की। ये पुरानी साजिश ये संघी संघ परिवार की हमें सब लोगों को मालूम है। तो 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है इसको हम देखते हुए सब जो सेक्युलरिज्म को जो मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो मानते हैं, हम सब लोगों को क्या लोग कम्युनल फोर्सेस के संघ परिवार का जो मेंटेलिटी है उसको, जो जहर है जो फैला रहे हैं हमारे नौजवानों में, उसको रोकने में हम सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट MG रोड, आदर्श नगर, कलबुर्गी।